स्वागत है आपका द क्रिकेट शो पर। और आज का एक और मैच आईपीएल का, यार ये क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। दिल्ली के बेचारे फैंस अपना हार्ट ब्रेक कराए ही जा रहे हैं, और जहां पर वो अपने घर में पहला मैच खेल रहे थे इस साल, और बताइए वहीं पर ब्रेकिंग न्यूज यही है कि बड़े सारे दिल्ली के फैंस के हार्ट ब्रेक हो गए हैं। 67 रनों से दिल्ली हार गई है। 267 का जहां पर टारगेट दिया था सनराइजर्स हैदराबाद ने, पता था सबको कि किस तरीके की बढ़िया फॉर्म में चल रही है एसआरएच की बैटिंग। दिल्ली वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी हारने में और बढ़िया रन पड़वाए। उन्होंने कहा हमारे घर में गेस्ट आए हैं, उनको बुरा तो नहीं मानने देंगे, आइए निचोड़ लीजिए जितना निचोड़ सकता है, बिल्कुल, वरना 5 ओवर के अंदर 100 रन कौन करवाता है, कौन करता है यार, कौन करता है। और जिस तरीके से दिल्ली हारी है, एक अर्ज आ गया जी हमारे मन में। पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं, दिल्ली जो है वो एसआरएच से हार गई है 67 रनों से। मयंक को 2 और नटराजन को 4 विकेटें आज मिली। हैदराबाद ने 267 रन का टारगेट दिया था दिल्ली को चेस करने के लिए। ट्रेविस हेड ने आते ही ताबड़तोड़ 89 रन मारे। शाहबाज ने 59 रन मारे, पहली 50 उनकी आईपीएल की, और दिल्ली का स्कोर सिर्फ 199 पे रहा। जहां पावर प्ले में उन्होंने 88 रन बना दिए थे, वहां पर जो है वो आकर गाड़ी अटक गई दिल्ली की, क्योंकि आए कप्तानी पारी खेलने ऋषभ पंत। और जो कप्तानी पारी उन्होंने खेली है, आहा, जो दिल को उन्होंने सुकून पहुंचाया ना दिल्ली वालों के, बिल्कुल दिल से मैं बताऊं। हाँ। ऋषभ पंत आए खेलने, बताइए बिल्कुल एक समय पे था। जितना आपका दर्द है सारा यही बयां कीजिए, जितने बहुत सारे फैंस हमारे देख रहे हैं। हाँ। आपका भी अगर दर्द है तो आप भी लिख के जरा बताइएगा, आपके कॉमेंट्स और आपके नाम फीचर करेंगे हम यहाँ पर द क्रिकेट शो पर। आप दर्द बताइए। देखो दिल्ली का स्कोर जो था वो एक समय पे रन रेट ऐसा चल रहा था कि सिर्फ 11 का नेट रन रेट रह गया था जो उनको चेस करने के लिए चाहिए था। फिर आए ऋषभ पंत और एकदम से उन्होंने कहा होले होले साजना धीरे धीरे बालमा ओ जरा होले होले चलो मोरे दिल्ली वालो। क्या कर रहे थे यार ये, मतलब 33 बॉलों में 44 रन कौन मारता है ये। देखिए ऋषभ पंत साफ करके गए हैं, आज वो दिन था जहां पर ऋषभ पंत से भी बॉल जो है बल्ले पर नहीं लग रही थी। और ये बड़ा ही स्ट्राइकिंग था, ये बहुत ही अजीब सी बात थी कि जहां पर एक तरफ लोग जो है 300-400 के स्ट्राइक रेट पे मार रहे थे, और सिर्फ ऐसा नहीं था कि हैदराबाद के प्लेयर मार रहे थे, दिल्ली की तरफ से भी बहुत बढ़िया एक रन जो बना के गए थे, तो वहां पर भी आप देख रहे थे। फिलहाल दिल्ली का आपको जो बुरा हाल हुआ है वो दिखा देते हैं कि पृथ्वी शॉ साहब आए पहली 4 बॉलों पे 4 चौके, बहुत बढ़िया क्रिकेटिंग शॉट्स उन्होंने खेली, जहां पर आपको लग रहा था कि पृथ्वी शॉ आज बहुत बड़ा स्कोर मार सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल पहली बॉल से सेट दिख रहे थे, वहीं पे वो आउट हो गए। 5वीं बॉल पर अपनी विकेट ऐसी लॉलीपॉप कैच थमा बैठे कि भैया लोग कहेंगे कि भाई तुम आए ही क्यों थे और उम्मीदें भी क्यों जगाई थी। लेकिन जैक फ्रेजर दिल्ली ने जो खिलाने शुरू करे भाई साहब, ये है इनकी इनिंग्स की मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। इन्होंने जॉ लाइन वाले बंदे, बताइए जरा, 361 के स्ट्राइक रेट से 18 बॉलों पर इन्होंने 65 रन बनाए, 5 चौके 7 छक्के, गजब की इनकी बैटिंग थी। जब तक ये थे तब तक लग रहा था कि शायद आज दिल्ली ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक चेज है जो करने वाली है वो करने में सक्षम रहेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि दिल्ली की तरफ से ऐसे कुछ बुझे हुए कारतूस बैठे हुए हैं, ऐसे पटाखे बैठे हुए हैं जिनकी सुर्री निकली हुई है। डेविड वार्नर की मैं बात कर रहा हूं, 1 रन उन्होंने बनाया 3 बॉलों पर, 33.3 का स्ट्राइक रेट, और बहुत ही खराब इनका ये सीजन चल रहा है डेविड वार्नर का, और दिल्ली कब तक इनके साथ परसिस्ट करने वाली है ये अभी किसी को नहीं पता है। और ओपनिंग पे क्यों इनको भेज रहे हैं अगर इनकी बिल्कुल भी फॉर्म नहीं दिख रही है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और आपके फेवरेट ऋषभ पंत प्रशांत, देखिए जरा क्या इनका इन्होंने करा है, जरा बताइए क्या किया है इन्होंने। 35 गेंदे खेली, 44 रन मारे, और वो भी 2 चौके तो उस समय पे आए जब दिल्ली बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैच हार चुकी थी, वरना इनका जो स्ट्राइक रेट था वो 100 से भी कम का ही चल रहा था एक समय पे। 5 चौके आए, 1 छक्का जरूर आया इनके बल्ले से, लेकिन मैं तो कह रहा हूं इन्होंने आज अपनी टीम का मोए मोए कर दिया, क्योंकि एक समय पर ऐसा लग रहा था कि दिल्ली आज जो है वो 267 रनों का टारगेट है उसको चेस कर ही लेगी, लेकिन ऋषभ पंत करना जाने दे। पर ट्रिस्टन स्टब्स, इनसे भी सबको बहुत उम्मीदें थी, 10 रन बनाए इन्होंने सिर्फ 11 गेंदों के ऊपर, 90 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। मतलब जब आप 260 चेज करने आ रहे हो और उस समय पर आ रहे हो जब आपको सिर्फ 11 या 12 के रन रेट की रिक्वायरमेंट है और आपकी टीम ऑलरेडी 15-16 के नेट रन मतलब रन रेट पे चल रही है, तब आप कैसे आकर ये गंदी पारी खेल सकते हो। अभिषेक पोरेल आए, लेकिन आज बढ़िया इनकी एक पारी रही, 22 गेंदों के अंदर 42 रन मारे। जैक फ्रेजर मैकगर के साथ इनकी एक पार्टनरशिप थी बहुत ही शानदार,
सात चौके एक छक्का 190 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। और इनका मतलब अभिषेक पोरेल मतलब सिर्फ एक बंदा था पूरी दिल्ली की टीम में जिसको था कि भाई मैं 267 चेज कर रहा हूँ, वो था जैक फ्रेजर। देखो मैं तो यही कह रहा हूँ कि जैक फ्रेजर ने बहुत अच्छी कोशिश करी, अभिषेक पोरेल ने भी अच्छा साथ निभाया। और मैं तो ये भी कहूंगा थोड़ा सा आगे जाके कि अभिषेक नाम के लड़के होते तो बढ़िया है, कोशिश तो चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो अभिषेक पोरेल, चाहे वो मनचंदा, हाँ तो मतलब सारे लड़के जो हैं आज बढ़िया कर रहे हैं। आप देखिए बाकी दिल्ली का बैटिंग कार्ड पूरा देखिएगा, जहां पर आपको दिख रहे हैं थोड़े से रन, जहां पे उम्मीदें आपको दिख रही हैं वो है 3, 4, 5, 6 पे। लेकिन 5 पे ट्रिस्टन स्टब्स, जिनसे बहुत उम्मीदें थी 10 ही रन पे आउट हो गए, वरना जो इनका 90 का स्ट्राइक रेट था अक्सर 190 का होता है। बाकी अक्सर से याद आया मतलब अक्षर पटेल है, जो 6 रन इन्होंने बनाए 8 बॉलों में, इन्होंने भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करा। इनको लगभग फिनिशर वाली इमेज जो भूमिका है वो निभाने के लिए भेजते हैं दिल्ली वाले, तो भैया क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ऊपर क्यों नहीं भेज सकते। ललित यादव को इन्होंने पहले भेजा जिन्होंने कुछ नहीं करा, 7 ही रन बनाए उन्होंने 8 बॉलों पर। तो दिल्ली का ओवरऑल जो है आप देखिए, और बाकी नीचे 3 लगातार अंडे आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए ऑनरिक नौकिया वो बॉलिंग में भी एकदम अंडा टाइप की परफॉर्मेंस ही करते हैं, बिल्कुल 0। बाकी कुलदीप यादव भी एक रिव्यू भी वेस्ट करा के गए, देखिए गोल्डन डक उनका है, और बाकी सिल्वर डक आप कह सकते हैं मुकेश कुमार का भी है, साथ ही साथ ऑनरिक नौकिया का भी 2 बॉल पे बिल्कुल 0। और एफर्ट भी ओवरऑल जो रहा दिल्ली का वो 0 ही रहा, क्योंकि आप देखें ऑल आउट हुए हैं, ये ऑल आउट हुए एक बैटिंग पैराडाइज टाइप की विकेट पे। क्रेडिट देना होगा एसआरएच की बॉलिंग को भी, लेकिन 199 200 भी रन नहीं पार कर पाए भाई। मतलब इन दिल्ली की तो हाल वही चल रहे हैं कि लाइफ इज 99, 100 इज नेवर ऑन। मतलब है वेरी गुड एकदम से मतलब गहरा सा आ गया, शू करके आ जाता है इनको भी। और जब ऋषभ पंत खेलना है तो मतलब ऋषभ पंत की बैटिंग स्टाइल से ऐसे लग रहा था ये 167 का टारगेट चेस कर रहे हैं, 267 इनको पता ही नहीं है, 1 और 2 में फर्क नहीं समझ आ रहा भाई। भूवी भाई की लेकिन मैं मानना मतलब ये कहना चाहूंगा फोटो बड़ी ऐसी लगाई है कि आंखों से खा जाएंगे, बिल्कुल स्वीट है वो भी, कमाल की बात है, मेरठ से और एकदम स्वीट है। 4 ओवर के 4 ओवर इन्होंने डाले, 1 विकेट, 33 रन इन्होंने दिए, 8.25 की इकोनॉमी, बहुत अच्छी बॉलिंग रही आज भुवनेश्वर कुमार साहब की भी। और बीच में मतलब जहां इनको स्विंग उतनी ज्यादा कोई नहीं मिल रही थी आज, फिर भी इन्होंने मैनेज करा। और बाकी दिल्ली वाले जिस तरीके के साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंडर थे, उनको आज भुवनेश्वर कुमार भी शोएब अख्तर दिख रहे थे। इतनी तेज इनकी बॉल स्विंग होते हुए लग रही थी, पर एक तरफ आए टी नटराजन और ये यॉर्कर स्पेशलिस्ट बंदा, ये बिल्कुल ना मतलब शॉर्ट बॉल डालते हैं ना ये फुलर लेंथ डालते हैं, सीधा यॉर्कर मारते हैं। 4 ओवर में 4 विकेट आज इन्होंने निकाली, 19 रन देके सिर्फ और सिर्फ 7.75 की इकोनॉमी। तो इकोनॉमी 7 की तो नहीं होनी चाहिए, अगर 4 ओवर के अंदर 19 है तो थोड़े और कम हो जानी चाहिए इकोनॉमी। हम ऐसी हमारी मैथ्स ऐसी ये है, ये 4.75 बनती है, आप लगाएं मैथ्स करें आप। ये बहुत ज्यादा मैथ्स हो गई, मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हम पे विश्वास कर लेते हैं, ये 7 कह रहे हैं लड़के, ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन हम ऐसी हैं जी, हमारी गणित इतनी है। पर देखो हमारे पास कैट्स गुरु है, अगर कहीं भी इधर उधर हो रहा हो हम शू करके पकड़ लेते हैं ये स्पेशली 4.8 मतलब इतना ही बन रहा है। और बाकी आपको बता दिया कि भाई जहां पर आपके सारे के सारे पेसर्स, दिल्ली के अगर पेसर्स की बात करें तो भाई इतने रन लुटाए उन्होंने, इतने रन लुटाए हैं। आप पहले देखिए कि यहां पर जो बॉलिंग कार्ड है हैदराबाद का, पहले वो देखिएगा कि कितनी बढ़िया बॉलिंग हुई है। वॉशिंगटन सुंदर को आप छोड़ दीजिए, इनसे 2 ओवर पहले ओपनिंग के ऑलमोस्ट कराए गए थे, तो वहां पर इन्होंने भर के रन खाए, 30 रन भी इन्होंने खाए थे 1 ओवर के अंदर, तो वो भी बड़े ही, उसके बाद वापस ही नहीं लौटे वॉशिंगटन सुंदर। मतलब सारे लोग कह रहे हैं ये घर निकल गए हैं अपने सीधा ही, वो कह रहे हैं भाई जहां पे स्पिनर आपके मतलब आप मान के चलो बाकी सारे स्पिनर पिट रहे हैं, आप यहाँ पे मुझे पहली ओपन करने के लिए दे रहे हो, वहीं पे रन पड़ने शुरू हो गए थे। लेकिन उसके बाद भुवनेश्वर कुमार की भी आप बॉलिंग देखेगा, और जितना और पैट कमिंस यार कमाल के कप्तान है, लेजेंड आदमी हो, जब से ये आदमी एसआरएच में आया है, मतलब एडन माक्रम अभी भी वही है, वही कप्तान थे पहले, और पैट कमिंस जैसे ही आए मतलब आप उनका बॉलिंग कार्ड देखिए, भले उनके नाम के आगे विकेट्स ना हो, लेकिन 4 ओवर के अंदर 35 रन उन्होंने दिए हैं, 8.75 का उनका इकोनॉमी रेट रहा है, जबरदस्त। मैं कह रहा हूं कि अगर इनकी कैप्टेंसी को आप हटा देते हो ना इस इक्वेशन में से, तो फिर ये टीम वापस आपको वैसी दिखने लगेगी जैसे पिछले साल दिख रही थी, बार बार बिखरती हुई। और पैट कमिंस लगातार मतलब उन्होंने जिस तरीके से आज मतलब जो बॉले थी, स्लोअर बॉल्स थी, जो कटर्स थी, उन्होंने जिस तरीके से इस्तेमाल करा, उन्होंने पेस दी ही नहीं बॉलों के अंदर के, दिल्ली के बैट्समैन को बोला वैसे तो तुम एफर्ट कर रहे हो, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी और एफर्ट करो, मैं पेस नहीं दूंगा अपनी तरफ से। बाकी मयंक मार्कंडे भी आप देखिए, 2 ओवर के अंदर 26 रन भले उन्होंने दे दिए, लेकिन 2 बड़ी अहम विकेटें निकाली। नटराजन भाई साहब ये आ गया ना, देखिए करेक्टेड 4.75 आ गया, तो बिल्कुल 4 इन्होंने जो विकेटें निकाली हैं, एक ऐसा दिन जहां पर सारे पेसर्स फिट रहे थे ओवरऑल, वहां पर इतना कम इकोनॉमी रेट और 4 विकेटें इन्होंने निकाली हैं,
कमाल की चीज है ये, और आज अपने रंग में दिखे यार ये बिल्कुल टो क्रशिंग यॉर्कर्स जो थी वो भी दिखी आज, तो बहुत ही सही हो गया यार ये तो, बहुत ही मजा आ गया। और नीतीश रेड्डी जो है वो यार एक बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं। आप नीतीश रेड्डी के देखिए 2.1 ओवर 17 रन आए और 2 विकेटें इन्होंने भी निकाली। लेकिन आप देखो यहां पर ये जो 6 बॉलिंग बॉलर्स आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें से छठे की जरूरत थी नहीं, नीतीश रेड्डी को बॉल डालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पैट कमिंस ने कहा तू ऑलराउंडर है मैं तेरे से बॉलिंग डलवाऊंगा तू टेंशन मत ले। ऑल्दो मयंक मार्कंडे ने वॉशिंगटन सुंदर के 2 ओवर कंप्लीट कर दिए थे, लेकिन स्टिल जो है वो उन्होंने मजा कर दिया। पर आप हैदराबाद का एक बारी बैटिंग कार्ड देख लीजिए, ट्रैविस हेड, ये आदमी सीधे हेड पे ही वार करने की कोशिश करता है जो भी सामने दिखता है, और खास तौर पे अगर इस आदमी को कोई नीली जर्सी में दिख जाता है उसके बाद इस आदमी के अंदर कुछ तो अलग ज्वाला जग जाती है। सांड है ये, नहीं भाई, इनको लाल रंग नहीं दिख रहा है, ये नीले कलर देखने वाले सांड है भाई साहब। 89 रन इन्होंने बनाए और 32 बॉलों में 278 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 1 पॉइंट पे ये भी 300 के पार खेल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा बाद में स्लो हो गए थे। ये स्लो होने के बाद हाल है इनके 278, ये बताइए जरा इतना कौन करता है। और फिर ये अभिषेक शर्मा, ये तो भाई आज क्या खा के आया था, मतलब समझ में नहीं आया कि नाश्ता करके आया, डिनर करके आया, क्या खा के आया, दिल्ली का पानी सूट कर गया इस आदमी को। 46 रन 12 बॉलों में 383 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 2 चौके और 6 छक्के, क्या चल क्या रहा था भाई इनका। लेकिन जिस समय पर ये दोनों बंदे खेल रहे थे एक समय पर प्रोजेक्टेड स्कोर जो था वो 450 का आ रहा था, 450 मेरे दोस्त, जहां पे 5 ओवर में 100 हो रहे थे, 6 ओवर के अंदर पावर प्ले में 125 हो रहे थे, जहां 38 बॉलों में 131 रन की इनकी पार्टनरशिप लग रही थी अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड की, वहां पर एक पॉइंट पे प्रोजेक्टेड स्कोर यकीन मानिए T20 गेम के अंदर 477 का भी दिखाया था, 450 तो कम कह दिया, 477 चल रहा था। और उसके बाद भी जब इनकी विकेटें गिर गई थी तब भी लग रहा था कि यार 300 तो आज हो ही जाएगा। लेकिन समहाउ कमबैक करा दिल्ली ने और उसके बाद इसको बिल्कुल ही 350 के आसपास जो है रोक दिया, वरना ये आज 350 तो लग रहा था कि 5 भाई सीधे रह गए, 5 ओवर के अंदर अगर 100 रन बन रहे हैं तो फिर आप लगाते ना 20 में 400 तो बनेंगे, 400 तो बनने ही चाहिए। और चलो ठीक है इस हिसाब से नहीं खेले तो 100 रन काट देते हैं हम, तो 300 तो बनने ही चाहिए। आपने मार्जिन बड़ा छोटा सा लिया है, 100 रन पूरी टीम ही नहीं बनाती है 100 रन, जहां पर 103 मतलब गुजरात ने पिछले ही मैच जो दिल्ली के खिलाफ था वहां 90 का टारगेट था दिल्ली के पास, मतलब दिल्ली भी ऐसे या तो हम बिल्कुल ही कम टारगेट लेंगे 90 का, या फिर हम लेंगे टारगेट बिल्कुल ही सीधा 267 रनों का, 272 रनों का केकेआर के खिलाफ। लेकिन क्लासेन आए आज, बड़ा इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए, अक्षर पटेल ने एक बहुत बढ़िया बॉल पे इनको बोल्ड किया, 15 रन बनाए इन्होंने 8 बॉलों में, 2 छक्के जरूर लगाए बढ़िया, 187.5 का स्ट्राइक रेट रहा। पर वहां पर क्लासेन से और ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि जब सभी लोगों को लग रहा था 300 के पार स्कोर जाएगा वो ट्रेविस हेड और क्लासेन ही लेके वो इनके भरोसे ही लग रहा था कि अगर ये भी आज लंबा टिक जाते, और मतलब अभी तो इन्होंने 8 ही बॉलें खेली हैं, मान लीजिए ये 28 बॉलें होती, 18 बॉलें होती, तो मिनिमम 50 रन तो आपको दिख रहे होते इनके नाम के आगे, और ये 300 हो जाते जो अभी रह गए थोड़े से। बाकी एडन माक्रम से भी उम्मीदें थी, ये भी बड़े ताबड़तोड़ खेलते हैं जब खेलने पे आते हैं, लेकिन आज मात्र 1 ही रन इन्होंने बनाया 3 बॉलों पे, तो आज माक्रम का मन नहीं था बेसिकली। इन्होंने कहा कि भाई साहब जो चल रहे हैं जो बढ़िया कर रहे हैं वो करने दो, मैं दिल्ली आया हूँ, जरा बढ़िया मेरे को खुशबुएं आ रही हैं, दिल्ली का स्टेडियम भी एक तो बिल्कुल दरियागंज के पास, खाने की क्या लाजवाब चीजें मिलती है वहां पे बिल्कुल। और अब्दुल समद जो है वो उन्होंने भी आज 8 बॉलों में 13 रन मारे, पिछले 2 मैचों से बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, 200-250 के आसपास का इनका स्ट्राइक रेट रहता है, लेकिन आज जो है वो 162 के स्ट्राइक रेट पे ही खेल पाए। यार सोचो क्या दिन, एक छक्का, क्या दिन आ गए हैं T20 के अंदर, 162 के स्ट्राइक रेट को भी कम कह रहे हैं, बिल्कुल गंदा 162 का स्ट्राइक रेट, कहां 250 पे खेला करते थे। लेकिन नीतीश रेड्डी भी है, इन्होंने भी बढ़िया अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, मात्र जो है 27 बॉलों पे 37 रन इन्होंने बनाए, 2 चौके 2 छक्के, 137, 1 पॉइंट के बाद इनसे भी ज्यादा टाइम हो नहीं पा रही थी बॉल, इसीलिए ये स्ट्राइक रेट आपको कम दिख रहा है, वरना जब ये भी मारने पे आते हैं तो 200 से नीचे बात ही नहीं करते हैं बिल्कुल। और 200 के ऊपर एक स्ट्राइक रेट रहा शाहबाज अहमद का, जो कि ऑलराउंडर कैटेगरी के बंदे हैं, और ऑलराउंडर अगर इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर जाए, 29 बॉलों में 59 रन की पारी खेले और 2 चौके 5 छक्के अगर लगा जाए तो क्या ही बात है। और आने वाली जो इंडिया की भाई इनकी है। इनकी जैसी इनिंग्स थी, मैं तो कहूंगा शाहबाज अहमद शाबाश भाई। और आज जो हाईएस्ट स्कोर था आईपीएल के अंदर वो मारा, मतलब ट्रैविस हेड ने, सिर्फ सुरेश रैना के जस्ट 3 रन पीछे थे, क्योंकि पावर प्ले के अंदर 84 रन बनाए ट्रैविस हेड ने सिर्फ 26 बॉलों में, और इनसे आगे सिर्फ सुरेश रैना है जिन्होंने 87 रन मारे थे, लेकिन तो वो तो चिन्ना था लाए, उनका रिकॉर्ड ब्रेक थोड़ा रिकॉर्ड
रिकॉर्ड्स की बात अगर हो ही रही है तो रिकॉर्ड आज बड़े सारे ब्रेक हो गए हैं, क्योंकि SRH जो है सनराइजर्स हैदराबाद वो फास्टेस्ट टीम 100 उन्होंने बनाया IPL की हिस्ट्री में। अभी तक 5 ओवर के अंदर 100 रन अभी तक किसी ने नहीं बनाए थे, ये पहली टीम है जिसने ऐसा कर दिया है। और हाईएस्ट पावर प्ले वाला स्कोर का रिकॉर्ड भी जो है T20 हिस्ट्री के अंदर वो इन्होंने आज रिकॉर्ड जो है बना दिया है, 6 ओवर के अंदर 125 रन और कोई विकेट नहीं गिरी थी तब तक। और यही पॉइंट था जब लग रहा था कि 477 बन सकते हैं प्रोजेक्टेड स्कोर पे, मैंने तो बंद कर दिया था यार टीवी। मैं तो दिल्ली का सपोर्टर हूँ, मैंने कहा बस मुझे ये दुख और नहीं सा ज्यादा, ये पता नहीं दुख कब खत्म होगा भाई। दिल्ली के दुख तो ऐसे ही है ना, दिल्ली वाले मैं सच बता रहा हूँ उनके बीच में ऐसी बातें लगता है कि हुई होंगी कि दिल्ली वाले कह रहे होंगे भाई साहब इनके जो है ना, एक तो पहले काम करो SRH जब भी कभी कोई आगे गेम खेलती है इनके जो छक्के हैं वो मानो ही मत, जब तक 100 मीटर से बड़े नहीं जाते तब तक छक्के मानेंगे ही नहीं हम, उससे पहले चौका मिनिमम छक्का कम से कम 100 मीटर का। उन्होंने एक डिमांड और रखी है, कह रहे हैं कि जब तक 22 प्लेयर फील्डिंग नहीं करेंगे तब तक SRH के आगे हम मानेंगे ही नहीं, ना बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन जिन पे छक्के मारे उन्होंने आज वो थे कुलदीप यादव, 55 रन का है लेकिन 4 बहुत ही बड़ी विकेट आज कुलदीप यादव ने निकाली। 13.75 का इकोनॉमी इनका रहा, लेकिन ये 13.75 शायद 25 भी हो जाता, क्योंकि अगर ये ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा और इवन एडन माक्रम की विकेट अगर ये आज नहीं निकालते तो कुलदीप यादव मतलब इन्होंने खेल कर दिया आज। ऑल्दो नटराजन 4 विकेट लेके गए, सिर्फ 19 रन देके आज कुलदीप यादव स्टार निकले दिल्ली की टीम से, 4 ओवर में 4 विकेट 55 रन। लेकिन ये 55 रन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़े से भारी पड़ गए, लेकिन कंजूस जो है वो है अक्षर पटेल। अब पटेल है थोड़ा गुजरात से, थोड़ा कंजूसी तो नहीं, कंजूसी खाली रनों में, हम रनों में नहीं कह रहे, लाइफ में तो बहुत ही मतलब बढ़िया इंसान। और बाकी अक्षर पटेल ने 4 ओवर के अंदर जो एक विकेट उन्होंने लिया, बहुत बढ़िया विकेट था ये भी, 29 रन दिए मात्र एक ऐसे मैच में जहां पर 267 रनों का टारगेट दिया जा रहा था, वहां पे सिर्फ 7 की इकोनॉमी से, 7.5 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए। तो अक्षर पटेल भी अपना कंट्रीब्यूशन तो कर गए थे, और बाकी कुलदीप यादव ने ही थोड़ा बहुत ही जो कमबैक है, जो 300 रन नहीं बने 400 रन नहीं बने वो कुलदीप यादव की 4 विकेटों की वजह से ही हुआ था, और एक अक्षर पटेल की विकेट से भी हुआ था। बाकी खलील अहमद आज यार मैं मन नहीं कर रहा मेरा कहने का, ये बड़ी गंदी बॉलिंग हुई है, मेरे को कुछ और राइमिंग आ रही थी इससे। 3 ओवर के अंदर 51 रन इन्होंने दिए, कोई विकेट नहीं लिया, 17 की इकोनॉमी। खलील अहमद का यही है, देखिए या तो बहुत बढ़िया बॉलिंग करेंगे आपको लगेगा कि भाई साहब ये ग्लेन मैकग्रा कहां से आ गए, और आपको नहीं तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ये मतलब डिंडा साहब रिटर्न कर रहे हैं, इतने रन दिला देते हैं, द रन मशीन जो है वो बन जाते हैं खलील अहमद, क्योंकि आज पहले ही ओवर इन्होंने डाला और पहले ही ओवर में इनको 20-22 रन पड़ गए, तो वहां से इन्होंने सोच लिया था आज मेरा दिन नहीं है। और नेक नोकिया ऑन द अदर हैंड, इनका दिन नहीं, इनका सीजन ही नहीं है भाई साहब। लेकिन आज जो था वो पिछले जितने भी इन्होंने मैच खेले उसमें दबाकर इन्होंने रन दिए, 50 तो खाई हर मैच में, लेकिन आज 3 ओवर के अंदर 31 ही रन आज इन्होंने खर्च किए। इकोनॉमी इनकी 10.33 की रही, तो दिल्ली कैपिटल्स की जो गेंदबाजी थी बहुत ही खराब हुई। मुझे लगता है एक और जो गेंदबाज है वो इनके हम अभी आपको दिखाएंगे कि ललित यादव जो है, ओह पहले मुकेश कुमार दिखा देते हैं, 4 ओवर के अंदर 1 विकेट 57 रन, 14.25 की इकोनॉमी। और जहां पर पूरी टीम जो है वो कुल मिला के 266 रन खा रही है, वहां पर इतनी इकोनॉमी दिखना तो लाजमी है, मतलब हैरानी आपको होनी चाहिए अक्षर पटेल की इकोनॉमी देख के जिनकी 7.25 थी, लेकिन ललित यादव को आपने हमने नहीं दिखाया 20.5 की इकोनॉमी। लेकिन कमाल की बात है, दिल्ली का जो मतलब दिल्ली ने जो अपना स्कोर बनाना था जी, अच्छा एक तो दिल्ली कैपिटल्स इनको 266 रन इनके नहीं बन पे, बेचारे 199 पे ही ऑल आउट हो गए थे। हाँ जी। और दूसरा ये कि दिल्ली की बैटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ मतलब वो जो बनाना कि एक जो है एक ही 50 थी बैटिंग में, एक ही 50 थी बैटिंग, और बॉलिंग में आप अगर देखते हैं तो फिर आपको दो दो 50 दिख जाती है। देखिए कितना कंट्रीब्यूशन है दिल्ली का, इनके बॉलर्स 50 बना रहे हैं, इनके बैटर्स भले बनाए ना बनाए, ये ना, टीम बॉन्डिंग वाली बात है। 55 कह रहे तो वहां पर हमारे जेक फ्रेजर बनाएंगे 55, कुलदीप यादव कह रहे मैं बना के दे, इन्होंने मिल मिला के 266 रन जो है वो बनवाए हैं 20 ओवर के अंदर, ये भी अपने आप में एक खास टैलेंट है बिल्कुल। और एक रन आउट था उसके अंदर आखिरी में जो आया वो 266 पर, जो 7वीं विकेट गिरी नहीं तो पैट कमिंस आप भी फिसल गए थे, वो रन तो आराम से हो जाता। मैं भी सोच रहा, मैंने कहा ये आउट कैसे हो गए, ये तो बनते हैं, ये तो तेज टांगे वाले हैं, ये तो अपना ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, टांगे वाले नहीं नहीं टांगे लेग्स लेग्स फास्ट लेग्स और फास्ट बॉलर भी है ना, तो भाई इनका तो बनता ही नहीं है। लेकिन फिर बाद में रिप्ले जब आया तो पता चला ये फिसल गए थे, मतलब काफी तेज फिसले थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कवर अप करने की कोशिश करी और बहुत ही सेल्फलेस पारी थी कि वहां पर शाहबाज अहमद उन्होंने देख लिया था रन मार रहे हैं छक्के मार रहे हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मेरी विकेट जाती है तो जाए, आज शाहबाज का दिन है, आज शाहबाज शाबाश तुम्हार तुम्हार इतने बढ़िया रन मार,
कि बिल्कुल इधर उधर हो जाए और एक शायरी जो है मेरे अंदर से आ गई है इस मैच को। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अर्ज किया है इरशाद कि अनगिनत छक्के पड़े, हो रही थी स्टेडियम में चीखम चिल्ली, उम्मीद की किरण जागी तो थी मगर हैदराबाद से हार गई दिल्ली। भाई वाह जी वाह, बहुत आपने बढ़िया बात करी है। बाकी इसी बात पे मैं भी कुछ अर्ज करना चाहूंगा। बिल्कुल कर दीजिए कि भाई साहब बन गई आज बिल्कुल ही भीगी बिल्ली, है जी बन गई आज बिल्कुल ही भीगी बिल्ली, उखड़ गई आज बड़ी बुरी तरीके से इनकी किल्ली। ओए होए, मैं कह रहा हूँ कि टीम में फूट पड़ गई है, किसी ने लगा दी तिल्ली। ये कैसे हार गई दिल्ली यार, बड़ी बुरी तरह हार गई दिल्ली। और 17वें ओवर के बाद आपको स्टेडियम में शोर सुनना बंद हो गया होगा क्योंकि सब लोग जो थे वो निकल के दरियागंज और पुरानी दिल्ली चले गए। वो कह रहे हैं बस हमें नहीं देखना, ये 80 रन तो नहीं बनेंगे तीन ओवर में, पेट जा रहे हैं चिकन खाने। पेट भर लो यार, मतलब वहाँ पे सब मिलता है भाई साहब, बड़ी बढ़िया बढ़िया खुशबुएं आ रही होती हैं, अपना जा रहे हैं खाना वाना खाएं, दिल अपना बढ़िया कर लें। बाकी इसी बीच हमारे जो एक्सपर्ट है क्या बोलती पब्लिक सेगमेंट में उनका कॉमेंट आ गया है, ये वो हैदराबाद नहीं जो हार जाती थी, ये विश्व विजेता पैट कमिंस की कप्तानी वाली टीम है। देखिए भाई आपने क्या बढ़िया बात करी है, मतलब ये तो बात सच है बिल्कुल ही कि पैट कमिंस के आने के बाद यार ये टीम कुछ अलग ही लग रही है, बदल गई है भाई। क्या क्या कर मतलब आरसीबी का रिकॉर्ड जो 11 साल से था, 2013 में 263 रन का जो एक रिकॉर्ड था जो कोई तोड़ ही नहीं पा रहा था, हर मैच में तीन बार तोड़ दिया, हर मैच में 250 पार करा रहे, क्या चल क्या रहा है। और मतलब इनकी अच्छा एक चीज और है, पैट कमिंस के आने से जो इनकी बॉलिंग थोड़ी सी ऐसी लगती थी ना कि यार पता नहीं होगी नहीं होगी, कौन को लगेगा, क्योंकि आप ये भी देखो कि लगभग 200 रन या 200 पार कर ही रही है सामने वाली टीमें, अभी भी कर रही है, अगर ये 250 पार कर रहे हैं तो सामने टीमें भी 200 पार कर रही हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके बीच में वो जो थोड़ा सा मार्जिन भाई वो अरे एक रन से रह गया ना, मैं चाह रहा था कि तुम्हारा दिल ना दुखाऊं वो एक रन बोल के, लेकिन तुमने खुद ही बता दिया, अगर इतना सा वो मार्जिन बच रहा है तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि बढ़िया कैप्टनसी आपको देखने को मिलती है, बढ़िया बॉलिंग चेंजेस उसमें होते हैं, फील्ड पोजीशन जो सेट करनी है वो बढ़िया होती है, और अपने आप टीम का जो पूरी एसआरएच का जो पूरा माहौल दिखता है आपको वो बड़ा कमाल दिख रहा होता है जब से पैट कमिंस आए हैं, क्योंकि जब आप देखते हो कि वहां पे अगर उनादकट भी बॉल डाल रहे हैं, कभी उनको छक्का लग जाता है, नटराजन पे कभी रैंडम चौके छक्के पड़ जाते हैं, वो जाके उनको तब भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और इसी बीच एक और क्या बोलती पब्लिक, हमारा एक्सपर्ट कमेंट आ गया विजेंद्र मिश्रा जी का, कह रहे हैं टी नटराजन ने शानदार बॉलिंग की, शानदार सर, कोई दो राय नहीं है जिसके अंदर, आज नटराजन अपने पुराने वाले रंग में दिख रहे थे, भले उनकी स्पीड 140 के पार उतनी ज्यादा नहीं दिखती है, लेकिन जितनी भी कर रहे हैं यार वो यॉर्कर्स जो डाल रहे हैं, मतलब हम मिस कर रहे थे यार ये यॉर्कर, यार मतलब चाहे ऋषभ पंत थे चाहे मतलब जैक फ्रेजर तक भी थे, उनसे भी वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, क्या तगड़ी कर रही बॉलिंग, मतलब एक जगह ही है जो एज लग के यॉर्कर पे मतलब बंदा एकदम से डिफेंड करता है, बल्ला नीचे डालता है तो वो एज लग के अपना पीछे थर्ड मैन की तरफ कहीं चली गई तो चली गई फाइन में, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं है, मतलब यॉर्कर पे कोई तोड़ निकाल नहीं पाई है दिल्ली की टीम इनकी। और मतलब जब एक टीम जिसने 199 रन मार दिए, ऑलमोस्ट 200 रन मार दिए, वहां पे अगर आपकी इकोनॉमी 4.75 की रहे तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो दिल्ली की टीम है वो पूरा खेल भी नहीं पाई, और इसके वजह से ट्रेविस हेड जो शुरुआत में ही आए इतने छक्के मारे, और दिल्ली वाले बीइंग दिल्ली वाले उन्होंने 3-4 बॉले तो वापस ही नहीं करी रख ली, कह रहे तुम बहुत पिटाई कर रहे हो भाई, हम देंगे ही नहीं तुम्हें। मुझे एक चीज और लग रही है कि भाई ये जो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जो आज मतलब ऐसी तूफानी पारी खेल रहे थे, मुझे लगता है कि इनके बल्ले पे आज केडी तरासी लिखा हुआ था, ये हर बॉल से पहले चैन कुली की मैन कुली कर रहे थे, इनके बल्ले के अंदर बिजली आंख बांध रही थी और फिर ये मार रहे थे, और जहां इन्होंने बोलने से चूक गए, जहां ये भूल गए वहीं पे आउट हो गए। हां लो इनका टेस्ट करवाओ यार, आप इनका टेस्ट करवाओ, इनके बल्ले चेक करो केडी तरासी लिखा है इन पे। लेकिन क्या बोलती पब्लिक में एक और कमेंट आया ऋषभ गुप्ता का, ऋषभ ने आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ने करी है पंच में, लेकिन ट्रेविस हेड का क्या करना है, विश्व कप आने वाला है सर, हम इनका कुछ नहीं कर सकते, आप एक देखो पैट कमिंस भी उसी टीम में है, ट्रेविस हेड भी उस टीम में है, अब करें तो हम करें क्या, हम कहां जाके बचे, हम बस ये कर सकते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा से ओपनिंग करवा सकते हैं यार। लेकिन ट्रेविस हेड की बात हो रही है यहाँ पे, आपने विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम लेके ना आपने कहा कि चलो थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं ट्रेविस हेड, देखिए इतना सा ही काम करना है ट्रेविस हेड के लिए के पता नहीं कुछ नहीं करना वो नहीं, आज जैसे ऋषभ पंत ने किया ना, उनके प्लान्स नहीं समझ में आ रहे भाई, उनको कहां बॉल डालनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ट्रेविस हेड अगर या तो शुरू में आउट होके जा रहे हैं हाँ। या फिर अगर वो टिक जा रहे हैं या आप उनको एक आधा कोई मतलब ऐसे चांस दे देते हो ड्रॉप चांस ये वो कुछ भी, तो फिर वो इतना लंबा स्कोर मार रहे हैं कि आपको जब तक मैच से बाहर नहीं कर देते हैं तब तक वो जाते ही नहीं है पवेलियन यार। मुझे लगता है आईपीएल के दौरान ही ना वो जब रन भाग रहे हो उनके बॉल मारो
नहीं आज आज, आज क्लासिन को जैसे बाहर आज ऋषभ पंत मैच के अंदर क्या हुआ, ऋषभ पंत जो है आपने देखा होगा शायद कि वो एकदम से गिर गए थे, रन पूरा कर रहे थे, उनका बल्ला जाके अड़ गया विकेट कीपर क्लासिन के पैर में। तो फिर एकदम से कमेंटेटर साहब ने बोला कि भाई एक अच्छा तरीका है, क्लासिन को इंजर्ड कर दो, टूर्नामेंट से बाहर कर दो। तो अगली बार ट्रैविस हेड के बदले सामने जो भी खेल रहा होगा वो भी ऐसे एक आधा रन ले लेना, कहीं दिख रहा हो कहीं बॉल चेप देना। मैं तो विकेट पे मार रहा था, गलती से पैर पे लग गई, आपके सर आ गया बीच में, हेड आपका हेड इतना बड़ा, आप इतना हेडिंग परफॉर्मेंस खेल रहे हो, हम आपके आपको थोड़ा सा लग गई है, कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप ही तो नहीं खेल पाओगे, नेक्स्ट वर्ल्ड कप ट्राई करना। आप अगले आईपीएल में आके बढ़िया खेलना। अरे आईपीएल खेले आप, देखें कितना पैसा है, बिग बैश खेलो आप, बढ़िया बढ़िया फुल पावर एकदम, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो ट्रैविस हेड को इसी तरीके से जो है वो बाहर किया जा सकता है, वरना ये बहुत बुरा हाल करने वाला है वर्ल्ड कप में, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसा आज इन्होंने किया है। शुरुआत में ही आए और मतलब पावर प्ले के अंदर ही कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ 26 बॉलों में अगर 84 रन मार दे, मुझे तो लग रहा था आज ये अपनी पूरी सेंचुरी कर देंगे 29 बॉल के अंदर, वो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, वो भी लग रहा है। और वो जो 175 वाला रिकॉर्ड है, मुझे लग रहा है वो दिन दूर नहीं है जब वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है, और एक आधा सीजन और ट्रैविस हेड वगैरह ही कोई ना कोई तोड़ेगा भाई साहब। और अभी कोई पिछले दिनों कोई बोल रहा था, कहते अगर 300 बनेंगे ना आईपीएल के अंदर तो या तो वो मतलब आपको बॉम्बे में देखने को मिलेंगे वानखेड़े में, या फिर आपको बैंगलोर में देखने को मिलेंगे, या फिर कोलकाता में देखने को मिलेंगे। दिल्ली ने कहा ये लो हमारा पहला मैच है, हमने ऑडिशन दे दिया, कम है गया, यहीं पे बनेंगे रिकॉर्ड जितने बनने हैं, इधर उधर जाने नहीं देंगे। मैच और बचे हैं हमारे, और क्या बोलती पब्लिक में, मोहम्मद जी का आ गया है एक कमेंट, पंत में पुजारा की आत्मा आ गई थी। अरे रे 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 यार, ठीक बात बोली सर आपने, मतलब इतनी बढ़िया एक्सपर्ट आपने जो ओपिनियन रखी है ना मोहम्मद जी, मतलब मजा आ गया आपका कमेंट देख के, बिल्कुल मतलब पंत जी को मालूम ही नहीं हो रहा था यार। उन्होंने कहा पिछले कई बार से ना ऋषभ पंत जो है बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, 200-200 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा देखो ये आज करनी थी ना, ये काम मैं कर चुका हूँ, ठीक है, अब उनका मन था कि मैंने T20 में अपने आप को जो है बिल्कुल एस्टैब्लिश कर दिया है, अब सब बातें कर रहे हैं वर्ल्ड कप में पंत जाएंगे नहीं वो वाली बात भी नहीं, उन्होंने कहा मैं टेस्ट की भी थोड़ी सी तैयारी कर दूं। वन डे और टेस्ट वाली भी, मैं आप सबको बता दूं कि ऋषभ पंत जो है वो बिल्कुल तैयार है। आपने आज उनकी इनिंग्स देखी क्या, इतनी बढ़िया इनिंग्स थी, इतनी स्लो इनिंग्स, मैं कह रहा हूं टेस्ट के लिए भी तैयार है, वनडे के लिए भी तैयार है, सारी तरीके से तैयार है। अच्छा अभी वही बात है कि कुछ दिन पहले इनकी भी बात हो रही थी कि भाई जितने भी ऑलराउंडर्स हैं उनको मौका नहीं मिल रहा बॉलिंग करने का, नीतीश रेड्डी को खिलाया जा रहा है और वाशिंगटन सुंदर बाहर है। बात ऐसे शिवम दुबे की भी हो रही थी, शिवम दुबे को भी जो है बॉलिंग नहीं मिल रही है, तो आप चेक नहीं कर पा रहे हो कि वो कैसा कर रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर की बात हो रही थी कि फिर उनको भी दोनों बैटिंग और बॉलिंग डिस्प्ले करने का अपना मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर अगर वो ऐसी बॉलिंग करेंगे तो वो कहेंगे भाई साहब हमें डिस्प्ले करना ही नहीं है, आप बैठो आराम से, आप इंपैक्ट के लिए आना, कभी जरूरत पड़ेगी तो बैटिंग के लिए बुलाएंगे, बॉलिंग के लिए नहीं बुला रहे। बॉलिंग के लिए तो मुझे नहीं लग रहा है वाशिंगटन सुंदर कहीं से भी नजर आ रहे, और ये पिच थी जहां पर सबने देख लिया था कि कुलदीप यादव ने 4 ओवर निकाले हैं, तो पैट कमिंस समझ गए थे यार ये तो स्पिनर वाली पिच हो रही है, अक्षर पटेल ने भी 7 की इकोनॉमी से खाए हैं रन, तो मुझे लग रहा है कि वाशिंगटन सुंदर कुछ बढ़िया कमाल करके दिखाएंगे, उन्होंने किया कमाल। हाँ मतलब मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा चलो ये जो वो था बिल्कुल ही वो जो होता है ना कि भाई रिस्क ले लिया है आपने, बहुत ही तगड़ा गैम्बल कर दिया है, ये जो पहला ओवर लेकर आ गए थे अगर वाशिंगटन सुंदर का 4 चौके खाने के बाद जो वो विकेट आई 4 बॉलों, तो फिर लगा मैंने कहा अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अब बढ़िया काम करेंगे, और ये 4 बॉलों के अंदर भी मतलब पहले 90+ की अपनी जो स्पीड थी उस पर बॉल कर रहे थे, और जिसपे फंसाया पृथ्वी शॉ को वो मिड मतलब वो 70s-80s वाली बॉल थी वहां पर फंसाया के ललचा दिया, और मतलब बंदा जो है अपनी खुद एफर्ट मारे, उसी एफर्ट के चक्कर में आउट हो गए, ब्लफ हो गया था, लॉली कैच पकड़ा, और अगले ओवर में उन्होंने फिर वही करा जो पहले 4 बॉलों में पहले ओवर में कर रहे थे कि मैं तेज तेज बॉल डालूंगा, बहुत पंप आ गया, एड्रेनलिन रश आ गया है, अब मैं तेज तेज बॉल डालूंगा, फिर उनको किसी ने बताया नहीं कि वो स्पिनर है, आपको आराम से डालनी है, अटका के डालनी है, स्लो बॉल यहाँ पे अटक रही है, तो इसीलिए आज वाशिंगटन सुंदर जो है बड़े तगड़े तरीके से मोए मोए बॉलर तो बन ही गए हैं, लेकिन ये जो मोए मोए वैसे तो ललित यादव ने भी कर दिया था दिल्ली करा था। क्योंकि ललित यादव को भी पावर प्ले के अंदर ऋषभ पंत ने 2 ओवर करा दिए, तो ललित यादव जो अपना दूसरा ही मैच खेल रहे हैं, पहले मैच के अंदर भी उनकी कोई खास बॉलिंग आई नहीं थी, तो मुझे समझ नहीं आया कि जब आपके पास अक्षर पटेल है, जब आपके पास कुलदीप यादव है जो विकेट टेकर्स बंदे हैं, उनको आपने पावर प्ले में क्यों नहीं लेके आए, जब यहाँ पर ट्रेविस हेड और जो अभिषेक शर्मा थे वो इतने रन खा रहे थे, ये हमें समझ नहीं आया। लेकिन पॉइंट्स टेबल अब किस तरीके से दिख रहा है
ये हम आपको देख लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने सोच लिया हम तो टॉप पे रहेंगे, अपने को नीचे आने का ही नहीं यार। लेकिन राजस्थान रॉयल्स भले इस बार टॉप पे चल रहे हैं, लेकिन इनकी एक खास इनका भी पैटर्न रहा है। ये पहले जो हाफ टूर्नामेंट होते हैं ना, लीग मैच जो होते हैं, उसके अंदर तो बहुत बढ़िया करते हैं, उसके बाद ये दिखाते हैं कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हमारी सांस फूल गई है। तो 7 मैचों में भले ये 6 जीत लेकर और एक ही हार लेकर 12 पॉइंट्स के साथ टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं, लेकिन आने वाले 7 मैच जो इनके होंगे उसके अंदर पता चल जाएगा कि ये कहां जा रहे हैं, टॉप ऑफ द टेबल या बॉटम ऑफ द टेबल। ये और बीच में कोई काम करते ही नहीं है, सीधे टॉप पे, कोई पता नहीं है इनका कब एकदम आरआर आरसीबी और डीसी से कंपीट करने लग जाए बॉटम ऑफ द टेबल के लिए। लेकिन एसआरएच नंबर 2 पर 7 मैचों में 5 जीत के साथ 10 पॉइंट भी आ गए, डबल डिजिट में आ गए इनके पॉइंट्स भी, और नेट रन रेट भी इनका काफी सुधर गया है क्योंकि 67 रनों से आज दिल्ली को हरा दिया है। और यही अब दिल्ली को भी नुकसान हुआ होगा उतना ही ज्यादा नेट रन रेट का। बाकी 3 पे केकेआर है, 6 मैच में 4 जीते हैं इन्होंने, 8 पॉइंट्स हैं। सीएसके के भी 8 पॉइंट्स हैं, 7 में से 4 जीते हैं लेकिन इन्होंने, और लखनऊ के भी 7 में से 4 ही जीत है, 3 हारे हुए हैं मैच और 8 ही पॉइंट्स हैं इनके। तो इनके पास मौका जरूर है टॉप ऑफ द टेबल आने का। और बॉटम ऑफ द टेबल में जो है आखिरी की 5 टीमें, उसमें 6 नंबर पर मुंबई पहुंच गई है पंजाब को हरा के, वो जो बहुत ही क्लोज मैच था, 7 में से 3 जीत हो गई है मुंबई की। तो दिल्ली जो है वो 1 स्पॉट अब नीचे आ गई, क्योंकि उनका नेट रन रेट जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया है आज हार के, 8 में से 3 मैच ही जीती है, 5 हार चुकी है। तो अब बचे हुए 6 मैच में से शायद दिल्ली को 6 के 6 जीतने पड़ेंगे अगर उनको प्लेऑफ के बारे में सोचना भी है तो। और आखिरी 3 में है गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स और आरसीबी, और तीनों ही जो है वो 3-2-1 मैच जीते हुए हैं, 6 पॉइंट 4 पॉइंट और 2 ही पॉइंट है आरसीबी के पास। और गुजरात जो कि पहला जब अपना सीजन खेली थी तो जीती थी, अगला सीजन खेली थी तो फाइनल खेली थी, अब आते आते तीसरे सीजन में जहाँ नए कप्तान है शुभमन गिल, मुझे लग रहा है उनकी और आशीष नेहरा की थोड़ी बातचीत ना थोड़ी सेटल नहीं हो पा रही है। बातचीत तो सेटल हो रही है लेकिन टीम का बैलेंस जो है वो सेटल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक हार्दिक पांड्या जब इधर से उधर हुए तो एक गुजरात की टीम अनसेटल हुई और एक मुंबई की टीम अनसेटल हुई। हालांकि वो फिर भी थोड़ा सा आपस में रीग्रुप करके सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं। मेरे को याद आ गया मुंबई का पिछला मैच जब ये लोग बिल्कुल रन ही रन खाए जा रहे थे, आकाश मडवाल को जब छक्के पड़ रहे थे तब वो जाकर हार्दिक पांड्या साथ में खड़े हैं, कप्तान कौन है हार्दिक पांड्या, लेकिन वो बात किससे कर रहे थे, रोहित शर्मा से। तो ये चीजें जो है लगता है थोड़ी सी बेहतर होने लगी है मुंबई के कैंप में, इसीलिए आपको उसका जो फायदा है जो असर है वो दिख रहा है वहां पे, इसीलिए वो थोड़ा बेहतर करते हुए दिख रहे हैं और पॉइंट टेबल में भी ऊपर जाते हुए दिख रही है मुंबई इंडियंस आपको। और ऐसा ही रहा और हार्दिक पांड्या, लेकिन आरसीबी का बताओ यार, अभी तक 2 ही पॉइंट पे बैठे हुए हैं, करना क्या है। 16 पॉइंट आपको मिनिमम, एक वो होता है ना रूल ऑफ थंब होता है कि 16 पॉइंट अगर हो जाते हैं तो आपके चांसेस बन जाते हैं क्वालिफाई करने के लिए प्ले ऑफ के लिए। आरसीबी इस टाइम पे 7 मैच के बाद 2 ही पॉइंट लेके बैठा हुआ है, क्या अगले 7 में अगर 14 कर लेता है तो क्या ये हो पाएगा, अगले 7 मैच आरसीबी जीत पाएगी कि प्ले ऑफ के लिए एक थोड़ा सा कुछ मामला बन जाए। और कल जो है वो पहला जो मैच है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ये 7:30 नहीं है 3:30 बजे मैच है कोलकाता के अंदर, दिन का मैच है क्योंकि कल सुपर संडे है और 2-2 मैचेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पहला जो दोपहर वाला मैच है 3:30 बजे वाला, ये एक ज्यादा बड़ा मैच मुझे नजर आ रहा है। शाम वाला भी मैच कम नहीं है, वैसे जीटी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत पंजाब के लिए बहुत जरूरी है, इन्हीं दोनों का मैच है, मुल्लापुर में मैच होने वाला है। तो अब ये भी इंपॉर्टेंट है गुजरात के लिए भी कि भाई वो भी कहां जाना चाहते हैं, टॉप ऑफ द टेबल या बॉटम ऑफ द टेबल, उनके लिए भी ये बड़ी जरूरी चीज है। तो भाई ये अब कल का जो सुपर संडे है उसके बारे में बात करने हम फिर कल हाजिर हो जाएंगे द क्रिकेट शो पे। चलिए अभी चलते हैं दिल्ली की हार का शोक मनाते हैं। तुम मना ले भाई, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेट्स गो टू दरियागंज, हम कल मिलते हैं, मेरे पास दलिया रखा है वो खा ले पहले। लेकिन आज के लिए इतना ही क्रिकेट शो पर। मेरा नाम है अभिषेक मंचन, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, आप देख रहे हैं जी न्यूज़।